वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। उत्तर प्रदेश के कारागार और होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति आज मेरठ पहुंचे। इस दौरान राज्य मंत्री ने मेरठ जिला जेल का निरीक्षण किया और वहां मौजूद कैदियों का हाल जाना। इस दौरान मंत्री ने जेल में मौजूद कैदियों की दशा सुधारने के लिए भी दिशा निर्देश दिए। साथ ही जेल में मौजूद कैदियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए भी अनेकों सुझाव दिए। इस दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि जेलों के निरीक्षण के दौरान बंदियों से मुलाकात होने पर कुछ चीजें सामने आई हैं, जिनमें बंदियों के साथ संवाद किए जाने की बात सामने आई और उसी पर सरकार काम कर रही है, जिसके चलते आज उनकी 35वीं जेल निरीक्षण और बंदियों से संवाद का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज 40 साल से नीचे का 70 से 80% युवा जेलों में मौजूद है। उन्होंने कहा कि युवा हमारे देश का और प्रदेश का भविष्य है, अगर वही युवा देश का भविष्य ना बन पाए तो यह चिंता की बात होगी। देखिए राज्य मंत्री होमगार्ड और कारागार उत्तर प्रदेश धर्मवीर प्रजापति की रिपोर्ट। जी मंत्री जी, आज आप क्या कुछ प्रयोजन है और देखिए पहली बार जब मैं जेल में गया और लगातार दो कुछ जेलों में जाने के बाद बंदियों के साथ मिलने के बाद कुछ चीज़ें समझ में आई और समझ में आने के बाद तय किया कि बंदियों के साथ संवाद किया जाए और बंदियों के संवाद में आज मेरी ये 35वीं जेल है। संख्या का आकलन अगर करें हम तो 40 साल से नीचे का युवा 70 से 80% जेल में है। युवा हमारे देश का, हमारे प्रदेश का भविष्य होता है और वो देश का प्रदेश का भविष्य ना बन पाए, अपने घर का भविष्य होता है और जिस घर का भविष्य जेल में हो उस घर की स्थिति को उस परिवार से ज़्यादा अगर कोई जान सकता है तो भगवान जान सकता है। अधिकतर संख्या में अनुभव आया है कि गरीब परिवार के हैं। गरीब परिवार का बेटा जब जेल में आ जाता है तो उस परिवार का भरण पोषण, उस परिवार की सम्मानजनक स्थिति नहीं रहती जो जेल जाने से पहले होती है। तो ये तय किया कि बंदियों के साथ संवाद किया जाए। हर बंदी पेशेवर नहीं है, पेशेवर है उसके नियम के अनुसार जो व्यवस्थाएं हैं वो रहेंगी, लेकिन जो पेशेवर नहीं है उसके साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए और प्यार से उनके साथ बातचीत करके उनको साथ आत्मीय संबंध बना करके उनको प्रेरित करना चाहिए कि वो आगे कभी कोई गलती न करें। यही काम हम लोग कर रहे हैं। क्या करेंगे सर? इसके लिए जेलों में जहाँ जगह है वहाँ बैरकों की व्यवस्था कर रहे हैं। 10 जेलें हमारे ऐसे हैं जहाँ जेलें नहीं हैं, वो हम जेल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सर अगर बात करें जाए जेल प्रशासन की, आज आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आया हूँ यहाँ बंदियों से संवाद करने और आप कभी अगर अवसर मिले तो बंदियों से इसके विषय में जानकारी करेंगे तो मुझसे ज़्यादा बेहतर बंदी बता पाएंगे, क्योंकि माहौल जो बदला है बहुत व्यवस्थित तरीके से जेलों में व्यवस्थाएँ हो रही हैं। अभी दीपावली का त्यौहार अच्छे से मना है, भैया दोज का त्यौहार में लगभग हमारे 60,000 के करीब बहनों ने राखी बांधी, वो दोज की, भैया दोज की है। उससे पहले रक्षाबंधन की अगर बात करें तो 70,448 बहनों ने राखी बांधी। नवरात्रों के व्रत में 30,000 से बंदियों ने ज़्यादा व्रत रखे। हर जेल में शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, यहाँ भी सुंदरकांड का पाठ बंदी कर रहे हैं। ये होता है हर जेल में, अच्छी बात है। उनकी अगर धर्म के प्रति भी आस्था बढ़ रही है तो अच्छी बात है। कम से कम जितनी देर वो सुंदरकांड का पाठ करेंगे या रामायण का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपस में जो विकृति चर्चा है उनकी, उस चर्चा से बचेंगे और उस चर्चा से बचेंगे तो मैं मानता हूँ कि क्राइम की दुनिया से दोबारा जाने से बचेंगे। मंत्री जी, कुछ जेलों में प्रदेश की अंदर से बैठ के क्राइम किया जा रहा है, जैसे पूरा जेलों में यहाँ पे
मुजफ्फरनगर में भी बात आई थी तो इससे निपटने के लिए आप क्या और क्या मजबूत प्रयास? मेरी मेरी जानकारी में ही आई है 7 महीने के कार्यकाल। हमारा प्रयास है पूरा, हमारा पूरा प्रयास है इसमें कि हम कंट्रोल रखें और हम बंदियों के साथ जब आत्मीय संबंध कर रहे हैं तो बंदी की सोच सकारात्मक हुई। धन्यवाद। हाल ही में सख्ती की जा रही है, आदमगढ़ जेल में अभी 4 मोबाइल मिले हैं, तो कहीं ना कहीं सख्ती की और ज्यादा जरूरत, वो हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। अभी के लिए इतने, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 square feet में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।